नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार, लाइव स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के क्या एलिमेंट्स हैं और इसमें उससे रिलेटेड एक्सेप्शन भी देखेंगे। सो एंड तक वीडियो देखें। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को पढ़ेंगे इसमें। तो द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इवॉल्व इन द केस ऑफ रिलायंस वर्सेज फ्लेचर। तो रिलायंस वर्सेज फ्लेचर केस था जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अराइज हुआ था इन द ईयर 1868। और वह भी प्रिंसिपल या ये जो जजमेंट आया था 1868 में आया था। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु कीप्स हैजार्डस सब्सटेंस ऑन हिज प्रिमाइजेस विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ सच सब्सटेंसेस एस्केप द प्रिमाइसेस एंड कॉजेज एनी डैमेज। तो इसमें दो पॉइंट याद रखने वाली चीज़ें हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रिमाइस पर हैजार्डस सब्सटेंस रखता है और वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर वह सब्सटेंस उसके प्रिमाइस से एस्केप कर जाती है और कोई डैमेज कॉज कर देती है। तो गोइंग इन टू द फैक्ट द केस, तो अगर हम इस रिलायंस वर्सेज फ्लेचर के केस को देखें तो इसमें फ्लेचर एफ जो यहाँ डिनोट कर रहा है फ्लेचर को है, फ्लेचर हैड ए मिल ऑन हिज लैंड एंड टू पावर द मिल फ्लेचर बिल्ड ए रिजर्वायर ऑन हिज लैंड। तो फ्लेचर जो था व्यक्ति, उसके पास एक मिल था, उसके ज़मीन पर एक मिल था, उस मिल को पावर देने के लिए या मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए उसने एक रिजर्वायर बनाया, वाटर इकट्ठा किया, ठीक, अपने लैंड पर। ड्यू टू सम एक्सीडेंट द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लडेड द कोल माइंस ओन्ड बाई आर। फ्लेचर के बगल में ही रिलैंड का एक कोल्स माइन था, आर यहाँ पर रिलैंड को डिनोट कर रहा है। तो रिलैंड का एक माइंस था, तो जो वाटर था रिजर्वायर में फ्लेचर के, वह गलती से एस्केप हो जाता है। और आगे क्यों देखते हैं, सब्सिक्वेंटली आर फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट एफ। तो इस वजह से रिलैंड जो था उसने एफ के खिलाफ एक सूट फाइल कर दिया। द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट बिल्ट द रिजर्वायर एट हिज रिस्क एंड इन कोर्स ऑफ इट इफ एनी एक्सीडेंट हैपेंस देन द डिफेंडेंट विल बी लाइबल फॉर द एक्सीडेंट एंड एस्केप ऑफ द मटेरियल। तो इसमें जो उसने एक हैजार्डस चीज़ अपने ज़मीन पे बनाया था, ठीक, मतलब रिजर्वायर, और उससे मतलब हैजार्डस मीन्स कि उससे तो अगर वो एस्केप हो जाता है तो किसी को कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, तो इसलिए दैट वाज हैजार्डस। तो इसमें जो कोर्ट था उसने हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट है मतलब जो रिलैंड है वह जो फ्लेचर है वह यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हेल्ड होगा। अब इसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो इस साइड है वो रिलैंड का एक रिजर्वायर था, ठीक, और इस साइड फ्लेचर का माइन फील्ड था। तो यहाँ पर जो रिजर्वायर था तो यह रिजर्वायर था यहाँ पर रिलैंड का, तो गलती से जो वाटर था ये एस्केप कर जाता है, जो वाटर था ये एस्केप कर रिलैंड का जो रिजर्वायर था उससे जो वाटर था वह गलती से एस्केप कर जाता है कहाँ पर, फ्लेचर की माइनफील्ड में, और इससे उसे डैमेज कॉज होता है। तो इस फैक्ट को देखें, गोइंग बाय द प्रिंसिपल लेड इन दिस केस इट कैन बी सेड दैट इफ ए पर्सन ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड एंड कीप्स सम डेंजरस थिंग। तो अगर कोई व्यक्ति अपने लैंड पर कोई डेंजरस चीज़ ला के रखता है एंड सच थिंग इज लाइकली टू कॉज सम डैमेज, और जो ये चीज़ है वो कुछ डैमेज कॉज कर सकती है, इफ़ इट एस्केप्स देन सच पर्सन विल बी आंसरेबल फॉर द डैमेज्ड कॉज। तो जो इस वजह से जो डैमेज कॉज होता है उसके लिए जो डिफेंडेंट होगा यानी जो पर्सन लाया होगा उस चीज़ को वह उसके लिए आंसरेबल हो गया, मतलब लाइबल हेल्ड होगा। द पर्सन फ्रॉम हुज प्रॉपर्टी सच सब्सटेंसेस एस्केप्ड
will be held accountable even when he has not been negligent in keeping the substance in his premises. तो यहाँ तक कि जो defendant होगा वह इस बात पर भी liable होगा यदि उसने एक negligently नहीं रखा होगा substance को अपने premises पर, मतलब उसने काफ़ी केयर करके भी रखा होगा, उसके बावजूद भी वो liable होगा. The liability is imposed on him and not because there is any negligence on his part but because substance on his premises is hazardous and dangerous. Based on this judicial pronouncements, the concept of strict liability came into being. There are some essential conditions which should be fulfilled to categorize a liability under the head of strict liability. तो कुछ basic चीज़ें हैं, जब उन चीज़ों को जब अगर फॉलो करेंगे तो हम किसी चीज़ को इन कंडीशन के आधार पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. तो पहला जो एसेंशियल्स है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए वह है डेंजरस सब्सटेंस. द डिफेंडेंट विल बी हेल्ड स्ट्रिक्टली लायबल इफ Only if a dangerous substance escapes from his premises. मतलब अगर जो defendant है उसके land से कोई dangerous substance escape हो जाता है या उसके premises से escape हो जाता है तो वह उसके लिए strictly liable होगा. For the purpose of imposing strict liability, a dangerous substance can be defined as. तो पहले हम देखते हैं दोस्तों कि ये डेंजरस सब्सटेंस होगा क्या. तो इट कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच विल कॉज सम मिसचीफ और हार्म इफ इट एस्केप्स थिंग्स लाइक एक्सप्लोजिव. तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें एक्सप्लोजिव हो सकता है, टॉक्सिक गैसेज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, इट इज सी एंड कैन बी टर्म्ड एज डेंजरस थिंग्स. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है जैसे कि एक्सप्लोजिव, टॉक्सिक गैसेज, इलेक्ट्रिसिटी. तो इससे रिलेटेड कई चीज़ें हो सकती हैं जो एस्केप करके कुछ अगर डैमेज कॉज कर सकती हैं किसी दूसरे पर्सन के लिए तो इन चीज़ों को हम डेंजरस थिंग्स मानेंगे या डेंजरस सब्सटेंसेस मानेंगे. और इसके एस्केप होने पर जो डिफेंडेंट होगा वो स्ट्रिक्टली लाइबल हेल्ड होगा. तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हेल्ड करने के लिए हमें डेंजरस सब्सटेंस होना चाहिए. और जो दूसरा इसका कंडीशन है वह है कि जो डेंजरस सब्सटेंस है वो एस्केप होना चाहिए, एस्केप. वन मोर एसेंशियल कंडीशन टू मेक द डिफेंडेंट स्ट्रिक्टली लाइबल इज द मटेरियल शुड एस्केप फ्रॉम द प्रीमाइसेस एंड शुडंट बी विद इन द रीच ऑफ द डिफेंडेंट आफ्टर इट्स एस्केप. तो एक कंडीशन भी होना चाहिए, अगर मटेरियल डिफेंडेंट के वहाँ से मतलब उसके प्रीमाइस से एस्केप नहीं होता तो हम वहाँ पर डिफेंडेंट को स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी के लिए हेल्ड नहीं कर सकते. फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, द डिफेंडेंट हैज सम पॉइजनस प्लांट ऑन हिज प्रॉपर्टी, लीव्स फ्रॉम द प्लांट इंटर द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेंटिफ एंड इज ईटन बाय हिज कैटल हु एज ए रिजल्ट डाई. तो यहाँ पर अगर हम दोनों कंडीशन को देखें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तो दोनों फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफेंडेंट ने अपने प्रीमाइस पर एक डेंजरस सब्सटेंस जो एक प्लांट था उसे रखा, मतलब उसकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे पहले डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए उसे. तो यहाँ माना जाएगा कि उसने अपने प्रीमाइस पर एक डेंजरस सब्सटेंस को रखा और इसके जो लीव्स थे वो इसके प्रीमाइस को क्रॉस करके बाहर चले गए, मतलब यहाँ पर डेंजरस सब्सटेंस का एस्केप भी हुआ. तो दोनों कंडीशन जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए होते हैं वह यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डिफेंडेंट जो होगा उसे लाइबल हेल्ड किया जाएगा. द डिफेंडेंट विल बी लाइबल फॉर द लॉस बट ऑन द अदर हैंड इफ कैटल बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ इंटर द प्रीमाइसेस ऑफ द डिफेंडेंट
एंड ईट्स द पॉइजनस लीफ एंड डाई द डिफेंडेंट वुड नॉट बी लाइबल। लेकिन वहीं अगर हम कंडीशन दूसरा देखें कि जो कैटल थी वह डिफेंडेंट के प्रमाइस में आके खा के जाती तो वहाँ पर डिफेंडेंट को लाइबल नहीं हेल्ड किया जाता, क्योंकि भाई यहाँ पर इस्केप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इस्केप वाला कंडीशन फॉलो होना भी ज़रूरी है। इसलिए दो चीज़ें यहाँ पर राम बाण है समझ लो यार इस चीज़ के लिए, कि पहला कंडीशन होना चाहिए कि डिफेंडेंट के द्वारा कोई डेंजरस सब्सटेंस अपने प्रिमाइस में रखना चाहिए, और वो सब्सटेंस अगर इस्केप कर जाता है और डैमेज कॉज करता है तब इस दो कारण को फुलफिल करने पर ही डिफेंडेंट को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए हील्ड किया जाएगा। इन द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ रीड्स वर्सेस लियोंस एंड कंपनी इट वाज हेल्ड दैट इफ देयर इज नो एस्केप द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। तो इस केस को हम जान सकते हैं कि अगर रीड वर्सेस रीड्स वर्सेस लियोंस केस में कहा गया था कि अगर एस्केप नहीं होता है जिस केस में सब्सटेंस का, तो डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, तो डिफेंडेंट को लाइबल हेल्ड नहीं किया जाएगा। और जो तीसरा कंडीशन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए वह है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड्स, या मतलब नॉन नेचुरल यूज, किसी चीज का भी नॉन नेचुरल यूज करें तब टू कंस्टिट्यूट ए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देयर शुड बी ए नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। इन द केस ऑफ रिलायंस वर्सेज फ्लेचर द वाटर कलेक्टेड इन द रिजर्वायर वॉज कंसिडर्ड टू बी ए नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। स्टोरेज ऑफ वाटर, तो चलिए हम देखते हैं अब कि नॉन नेचुरल यूज क्या है। तो जैसे कि रिलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में द वाटर कलेक्टेड इन द रिजर्वायर वॉज कंसिडर्ड टू बी ए नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज इज कंसिडर्ड टू बी नेचुरल यूज। अगर हम जैसे वैसे ही कोई कंटेन करते हैं किसी डिब्बे में या कहीं भी मतलब वाटर, तो वहाँ पर सीधा नेचुरल यूज कर रहे हैं, बट स्टोरिंग वाटर फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जाइजिंग ए मिल वॉज कंसिडर्ड नॉन नेचुरल यूज बाई द कोर्ट। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखनी योग है, व्हेन द टर्म नॉन नेचुरल इज टू बी कंसिडर्ड इट शुड बी केप्ट इन द माइंड दैट देयर मस्ट बी स्पेशल यूज विच इंक्रीजेस द डेंजरस टू अदर्स। सप्लाई ऑफ कुकिंग गैस थ्रू द पाइपलाइंस इलेक्ट्रिक वायरिंग इन हाउस एक्सेट्रा इज कंसिडर्ड टू बी नेचुरल यूज ऑफ लैंड। फॉर इंस्टांस इफ द डिफेंडेंट लाइट्स अप ए फायर इन हिज फायर स्पेस एंड स्पार्क एस्केप्स एंड कॉज ए फायर डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल एज इट वॉज ए नेचुरल यूज ऑफ लैंड। तो इस केस में भी फायर अगर नॉर्मली कोई जला रहा है और वो एस्केप करके किसी के घर को मतलब लग जाता है, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है, तो मतलब वहाँ पर वह नेचुरल यूज कर रहा था अपने लैंड का, तो वहाँ पर वह हेल्ड लाइबल नहीं होगा। तो दीज थ्री कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली टू कंस्टिट्यूट ए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए तीन कंडीशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो तीन कंडीशंस हैं वो हैं, पहला कंडीशन तो मैं लिख के बता रहा हूँ इसे, पहला कंडीशन है डेंजरस सब्सटेंस, डेंजरस सब्सटेंस, ठीक, डेंजरस सब्सटेंस होना चाहिए, और दूसरा इसका एस्केप होना चाहिए, एस्केप होना चाहिए, ठीक, और तीसरा नॉन नेचुरल यूज होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर 100%, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जिसको हम नीचे देखेंगे। पहला, अगर प्लेंटिफ का फॉल्ट हो, तो पहला कंडीशन जैसे है कि फॉल्ट
प्लेंटिफ्स फॉल्ट, इफ द प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट एंड एनी डैमेज इज कॉज्ड, द डिफेंडेंट वुड नॉट बी हेल्ड लाइबल एज द प्लेंटिफ हिमसेल्फ केम इन कॉन्टेक्ट विद द डेंजरस थिंग। तो ये चीज़ भी रखने माइंड में रखने योग्य है कि अगर प्लेंटिफ के द्वारा फॉल्ट किया गया है तो उसमें जो डिफेंडेंट है हेल्ड लाइबल हेल्ड नहीं होगा। जैसे इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ पोंटिंग वर्सेज नोक्स, द प्लेंटिफ्स हॉर्स डाइड आफ्टर इट एंटर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट एंड एट सम पॉइजनस लीव्स, द कोर्ट हेल्ड दैट इट वॉज ए रॉन्गफुल इंट्रूजन एंड द डिफेंडेंट वॉज नॉट टू बी हेल्ड स्ट्रिक्टली लायबल फॉर सच लॉस। और जो दूसरा एक्सेप्शन है, अगर वहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड हो, मतलब द फ्रेज एक्ट ऑफ गॉड कैन बी डिफाइंड एज एन इवेंट विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी ह्यूमन एजेंसी, सच एक्ट्स हैपन एक्सक्लूसिवली ड्यू टू नेचुरल रीजंस एंड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इवन वाइल एक्सरसाइजिंग कॉशन एंड फोरसाइट। तो मतलब ऐसा एक्सक्लूसिव नेचुरल रीजन जिसको कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता या फोर्सिन नहीं कर सकता है, अगर ऐसे किसी रीजन से यहाँ पर प्लेंटिफ को नुकसान होता है तो डिफेंडेंट यहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होगा। द डिफेंडेंट वुडंट बी लाइबल फॉर द लॉस इफ द डेंजरस सब्सटेंस एस्केप्ड बिकॉज ऑफ सम अनफॉरसीन एंड नेचुरल इवेंट विच कुडंट हैव बीन कंट्रोल्ड इवन इन एनी मैनर। तो हम लोगों ने एक्ट ऑफ गॉड देख लिया। अब जो तीसरा एक्सेप्शन है वह है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। तो अगर प्लेंटिफ का कंसेंट था किसी चीज़ के लिए, तो उसने अगर कोई चीज़ स्कैप हो जाती है डिफेंडेंट के द्वारा और मतलब हार्म हो जाता है प्लेंटिफ को, तो प्लेंटिफ वहाँ पर डिफेंडेंट को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए लाइबल हेल्ड नहीं करवा सकता, बिकॉज दिस एक्सेप्शन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। फॉर इंस्टांस If A and B neighbors, B are neighbors, मतलब A और B दो पड़ोसी हैं, and they share the same water source which is situated on the land of A, and if the water escapes and causes damage to B, he can't claim damages as A wouldn't be liable for the damage। तो इस केस में भी ऐसा अगर है जहाँ पर मतलब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी आ रहा है, तो वहाँ पर अगर escape होता है किसी चीज़ का, किसी dangerous substance का, उसके बावजूद भी हम डिफेंडेंट को लायबल हेल्ड नहीं कर सकते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।